प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 11 वर्स 35 में इस तरह लिखा है, इसीलिए चौकास रहना कि जो उजियाला तुझमें है वहाँ अंधेरा ना हो। सी टू इट देन दैट द लाइट विद इन यू इज नॉट डार्कनेस। यहाँ परमेश्वर हमें कहते हैं चौकास रहना, जो उजियाला तुम्हें है वो अंधेरा ना हो। क्या है इसका अर्थ? क्या आपने कभी ये वचन को पढ़ा है? क्या आपको समझ में आया है? यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुझे उद्धार दिया है, मैंने तुझे एक नया जीवन दिया है, तेरे अंदर मेरा प्रकाश, मेरी रोशनी है, और तू विश्वास में हर दिन कदम कदम पर आगे बढ़ रहा है। अब जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो। देखो, आज बहुत से लोग विश्वासी है जो कि प्रार्थना करते हैं, अच्छी तरह से वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के लिए एक अच्छी गवाही की तरह जीते हैं, लेकिन कुछ समय जाने या अनजाने अपने आंखों से पाप करते हैं, अपने विचारों से पाप करते हैं, अपने सोच से पाप करते हैं। इसीलिए यहाँ परमेश्वर कहते हैं जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो। देखो, जो भी आप आंखों से एक पिक्चर देखते हैं, आपके ब्रेन को सेंस देता है कि तू एक काम कर, आप रास्ते पे जा रहे हैं, एक फिल्म का पोस्टर दिखाई दिया है, अनजान से अगर आपने एक बार देखा है तो कोई गलती नहीं है, लेकिन जानबूझकर बार बार उसे ही देख रहे हैं और पीछे मुड़ मुड़ कर उस पोस्टर को देख रहे हैं तो पाप है। कुछ समय ऐसा होता है कि अनजान से हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, अगर एक बार देखे है बिना जाने तो परमेश्वर इसका लेखा नहीं लेता, लेकिन बार बार उसी चीज़ को देख रहे हैं अपने आँखों से तो आपके अंदर अंधेरा छा जाएगा। आप कहेंगे कैसा भाई? आँखों से आप जो भी देखते हैं वो आपके ब्रेन को पहुँचता है, ब्रेन आपको सेंस देता है कि तू एक काम कर। आज बहुत से लोग शराब पीते हैं, वे विचार करते हैं, सिगरेट पीते हैं, क्यों? उनको मन में एक सोच आती है या अपने आँखों से देखते हैं, उस जैसे देखने के द्वारा आपके ब्रेन में एक सोच, एक विचार आ जाता है और आप उस काम कर लेते हैं। उसी तरह अगर आपके आँखें पवित्र है, आपके विचार, उसी तरह आपका दिल भी पवित्र रहेगा। आप संसार के ज्योति हो, तुम सारे लोगों के सामने अपनी रोशनी बांटना चाहिए, अपने बातों में, अपने सोच में, अपने नज़र में, हर विषय में परमेश्वर की महिमा लाना है। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, नामदारी विश्वासी है, घर जाते हैं, फिल्म्स देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, जो देखना नहीं है वो सब देखते हैं, फिर चर्च आकर कहते हैं परमेश्वर मैं पापी हूँ, इस हफ्ते में जो भी पाप मैंने किया है मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर, आगे से नहीं करूँगा। फिर मंडे घर जाते हैं, फिर वही पाप, फिर सीरियल्स देखना, फिल्म्स देखना, शॉर्ट फिल्म्स देखना जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, सब गलत काम करते हैं, फिर आकर माफ़ी मांगते हैं। ऐसे लोगों के बारे में ही यह वचन में लिखा है, जो उजियाला तुम में है वो अंधेरा ना हो जाए। देखो, आज बहुत लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए भक्ति, प्रार्थना, वचन पढ़ते हैं, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए करो, क्योंकि हर एक काम का प्रतिफल परमेश्वर देगा। अगर अच्छे काम किए हैं उसको प्रतिफल परमेश्वर देगा, अगर बुरा किया है उसका सजा भी आपको मिलेगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, अगर आप गलत चीज़ देखेंगे परमेश्वर कहेगा इस फिल्म को मत देख, ये वीडियो मत देख, ये सीरियल मत देख, ये फिल्म का पोस्टर मत देख, ये ऐड मत देख, तेरा दिल खराब हो जाएगा, तेरे दिल में व्यभिचार के सोच आएंगे, पाप उत्पन्न होगा, इसे मत देख। बार बार परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको चेतावनी देते रहेगा। अगर आप पवित्र आत्मा की बात को मानेंगे तो आप वहाँ से चले जाएंगे, अगर नहीं माने वही देख रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर साइलेंट हो जाएगा और आपके अंदर अंधकार छा जाएगा। इसी बात को यहाँ लिखा है, शरीर परमेश्वर का मंदिर है, अगर आपका पूरा शरीर पवित्र है तो आपके पूरा शरीर उजियाला में है, अगर आपके आंखें, आपके हाथ, आपके पैर पाप के ओर लेके जा रहे हैं तो परमेश्वर ने कहा यदि तेरी आंखें
पाप करने के लिए प्रोत्साहन देती है तो उसे निकाल दे। अगर हाथ तुझे सताती है कि पाप कर तो उसे काट दे। अगर पैर करती है तो उसे काट दे। क्यों ऐसा बोला? सच में काटने के लिए नहीं। परमेश्वर ने कहा तेरी आत्मा नरक से बचना जरूरी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तेरा पूरा शरीर पवित्र रहे। आज बहुत से लोग कहीं ना कहीं जगहों में पाप करते हैं। कुछ लोग अपने हाथों से दूसरों को मारते हैं, घूस लेते हैं, कुछ लोग व्यभिचार करते हैं, कुछ लोग गालियाँ देते हैं। आपका पूरा शरीर में जो भी गलती आप शरीर के साथ करते हैं वहाँ अंधकार है, इसीलिए अंधकार से बचिए। आप यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह के चाल चलन में, बातों में, कदम कदम पर पवित्रता दिखाई देती है। यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं है। क्यों? परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध था। आज आपको परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध नहीं है, इसीलिए आप उस पाप में बार बार गिर रहे हैं। आप प्रार्थना करो परमेश्वर से, पूछो प्रभु मैं चाहता हूँ कि एक पवित्र जीवन बिताऊँ, मेरे अंदर तेरी रोशनी चाहिए, पवित्र आत्मा की गाइडेंस से जीना चाहता हूँ, तू मुझे सहायता कर। इस तरह आप प्रार्थना करो, परमेश्वर से एक अच्छा संबंध बनाए रखो, तब परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपने एक अच्छी बात कहा है, तू चौकस रहना, जो उजियाला तुझ में है वो अंधकार ना हो। आज कई लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं पाप दिखाई देती है, अपने सोच में, अपने आंखों से, अपने हाथों से या पैरों से गलत काम करते हैं, लेकिन तूने आज हमें एक वार्निंग दिया है कि तू चौकस रहे, बी केयरफुल, तेरे अंदर जो उजियाला है उसमें अंधकार ना हो। प्रभु मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वचन सुनने वाले भाई बहन को याद कर, उनको पाप से छुड़ा, एक नया जीवन दे, तेरे लिए सच्चे विश्वासी की तरह जीने के लिए मदद कर। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीहा नाम पे करता हूँ पिता, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करो हमारे लिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर सच में इस वचनों के द्वारा आपको प्रोत्साहन मिला है, अगर आपको प्रेरणा मिला है, तो इस सेवकाई में सपोर्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।